Newspapers occasionally publish supplements to the regular edition और special issue. तो newspapers में क्या होता है कि कभी कभी कुछ नए supplements भी छपते हैं, कुछ special issues भी छपते हैं, अगर उनको कुछ अलग से जानकारी हमको देनी है. For example, World War I commencement in 1914, the year 2014 marked the 100th year of this event. In order to be able to publish a newspaper supplement or a special issue to commensurate the occasion, one needs to review its history. तो ऐसे बहुत सारे important events रहे हैं अपने देश में, अपने history में, जिनको अगर छापना हो तो एक अलग से supplement ये लोग निकालते हैं, newspapers या magazine वाले. बट इनको भी हिस्ट्री की प्रॉपर जानकारी होना ज़रूरी है कि अपने इंडिया से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें छापने के छापना हो अगर उनको. इन 2017, 75 years were completed after the announcement of Quit India Movement. On such occasion, newspaper highlighted the event through various articles, editorials, columns like what happened in the history on this day, reviews, etc. तो क्विट इंडिया मूवमेंट को जब 75 इयर्स कंप्लीट हुए थे तो न्यूज़पेपर्स ने कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग से कुछ कॉलम्स या एडिटोरियल्स बनाए थे और उस इशू को हाईलाइट किया था और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में लोगों को बताया था. द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर राइटिंग ऑफ सच टाइप. तो अगर ये न्यूज़पेपर वालों को हिस्ट्री के बारे में पता होगा, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तभी वो लोग ऐसी चीज़ें छाप पाएंगे और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे. History is also essential in planning radio programs. For example, Akashvani has preserved recording of all the speeches delivered each year by the Prime Ministers of India on 15th August. तो क्या होता है कि हाँ, ये रेडियो जो प्रोग्राम्स है इसको भी हम अपना रिकॉर्डिंग हम सेव करके रख सकते हैं, तो ये भी हमारा हिस्ट्री बन जाएगा. या फिर कई सालों पहले की रिकॉर्डिंग आज हम सुनेंगे तो हमको हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा. तो कुछ आकाशवाणी ने 15 अगस्त पे जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होती है वो सभी सालों की स्पीच उन्होंने संभाल के रखी है अपने पास. आकाशवाणी इनवाइट्स हिस्टोरियंस एज एक्सपर्ट्स फॉर डिस्कशंस ऑन वेरियस ओकेजन्स सच एज द एनिवर्सरीज ऑफ बर्थ और द डेथ ऑफ नेशनल लीडर्स, एनिवर्सरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एट्सेट्रा. तो आकाशवाणी वाले क्या करते हैं कि हिस्टोरियंस को बुलाते हैं अपने स्टूडियो में कुछ ऐसे स्पेशल ओकेजन्स पे कि जब किसी बड़े लीडर की बर्थ या डेथ एनिवर्सरी हो या किसी इवेंट को कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स पूरे हुए हों तो वो लोग हिस्टोरियंस को बुलाते हैं और उनके बारे में जानकारी देते हैं न्यूज़ रेडियो पे. Lectures on the contribution of various national leaders need to be supported by historical information. तो अगर हम किसी भी national leader के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको proper जानकारी होनी चाहिए उस बारे में. Programs like On This Day in History are also an integral part of the daily programs of Akashvani. तो आकाशवाणी पे एक प्रोग्राम आता है ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, उससे पता चलता है कि आज के ये वाले डेट पे हिस्ट्री में कभी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था क्या या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे जानने लायक हिस्ट्री में हुई थी क्या. टेलीविजन चैनल्स ऑल्सो टेलीकास्ट प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री. तो बहुत सारे टीवी चैनल्स भी हैं जो हिस्ट्री के बेसिस पे कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं. दूरदर्शन एंड अदर टेलीविजन चैनल्स हेल्प इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री अमंग द पीपल थ्रू देयर हिस्टोरिकल शोज एंड सीरियल्स. तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वाले हैं जो अपने कुछ कुछ ऐसे टीवी शोज या कुछ ऐसे सीरियल्स वो लोग चलाते हैं जिसके थ्रू हमको हिस्ट्री की जानकारी मिले. दी माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सीरीज लाइक रामायण एंड महाभारत, भारत एक खोज एंड राजा शिव छत्रपति अट्रैक्टेड अ वेरी लार्ज ऑडियंस. तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स टीवी पे चलाए गए जिनसे लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता चले. वेल प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स मेंटेनिंग एक्यूरेसी विथ रिगार्ड टू प्रेजेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट, आउटफिट्स, वेपनरी, लाइफस्टाइल, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस इज एसेंशियल. वन नीड्स टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री फॉर द कंसर्न पीरियड. तो जब भी हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाते हैं टीवी पर तो
जो भी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको बहुत अच्छे से डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री का, तभी वो लोग ये काम ठीक से कर पाएंगे। क्योंकि वो सीरियल्स में हमको कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसा उनका लाइफस्टाइल होगा, किस तरह की भाषा वो लोग यूज़ करेंगे, ये सबका नॉलेज बहुत ज़रूरी है, तभी हम ऐसे प्रोग्राम्स चला सकते हैं टीवी पे। करंटली चैनल्स लाइक डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, हिस्ट्री एट्सेट्रा हैव ओपन्ड अ रिच ट्रेजर ऑफ ग्लोबल हिस्ट्री फॉर द ऑडियंस। तो ये सब चैनल्स के थ्रू बहुत एक रिच ट्रेजर जैसा खुल गया है ऑडियंस के लिए, जिससे हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री के बारे में मिल सकती है। इट हैज़ एनेबल्ड पीपल टू व्यू द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिक वंडर्स एट होम। तो हम घर बैठे ये सारे वंडरफुल चीज़ें देख सकते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में। To make such programs more entertaining, some parts of the serial are actually enacted by the actors, such as the characters of heroic men and women, sportsmen, army chief, etc. तो वो programs को और interesting बनाने के लिए, ताकि लोगों को उसमें interest आए, कुछ कुछ किरदार, मतलब उसमें कुछ कुछ लोग उन पुराने जो characters थे उनकी acting भी करके हमको दिखाते हैं कि actually वो events कैसे हुए थे या वहाँ पर वो लोग कैसे थे। Besides these serials about ancient monuments, forts, histories of empires and also the history of culinary arts are watched by a large number of people with great interest. तो ऐसे बहुत सारे programs हैं history से related जो जिसको लोग बहुत interest के साथ देखना पसंद कर देखते हैं। People with deep knowledge of history in their respective fields are sought out in all the fields mentioned above. तो अब जो ऐसे कोई भी programs अगर हमको निकालने शुरू करने हैं तो उसके लिए हमको ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिनके पास वो event से related या वो चीज़ों से related बहुत सारी information हो। तो उनके help से ही हम ये सब ऐसा कोई channel या serials चला सकते हैं। That's the end of the chapter. We'll go to question answers now.